अपने बारे में हमारे मीडिया को बताइए। माई सेल्फ रत्नदीप लाल, चेयरपर्सन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, द पाइनियर फैशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसने कि 1 लाख से ज़्यादा आपके फैशन डिज़ाइनर्स बनाए हैं, जो कि बॉलीवुड में, टेली सीरियल्स में, फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में सब जगह हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। माई सेल्फ द प्रोडक्ट ऑफ लंडन कॉलेज ऑफ फैशन, और मुझे काफ़ी आई एम प्रिविलेज टू हैव द एसोसिएशन विद मिसेज यूनिवर्स। आपका तुषार जी के साथ हम इस साल से एसोसिएट हुए हैं 2019 में। बहुत अच्छा, थोड़ा सा मैं बताऊं, जो फिनाले वगैरह में मैं काफ़ी जुड़ा था। इससे पहले इनके ऑडिशंस हुए थे, सारे शहरों में हुए थे, मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2019 में। सब शहरों में डिफरेंट गर्ल्स को लिया गया जो कि मिसेस हैं, और उनको एक ग्रूम करके यहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस हुए। फिर इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल उस पर ले गए, जो कि एक प्लेटफॉर्म दिया मॉरिशस में। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इसलिए हम लोगों ने दिया, जो कि भारतीय संस्कृति है उसको पूरी दुनिया जाने, जो कि हमारे काफ़ी गर्ल्स और बॉलीवुड को भी हम लोगों ने वो करा। तो ये पहला इनिशिएटिव है जो कि मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2019 के माध्यम से हम पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे ले जाएंगे। इसमें हम मॉरिशस में गए थे, वहाँ पे फिनाले हुआ था, वहाँ पे आपके बॉलीवुड के भी आपके काफ़ी स्टार्स मौजूद थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स थे, और जो लोकल मीडिया थे, और वहाँ की जो दूसरा देश होते हुए भी मॉरिशस, वहाँ पे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जिसने कि हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, गर्ल्स को दिया। तो इस तरीके से अगर हम भारत में मिसेस इंडिया यूनिवर्स के माध्यम से अपनी संस्कृति को दूसरे शहरों में ले जाते हैं, इट इज़ अ एक्सीलेंट जॉब। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट तुषार एंड वन ऑफ द पायनियर अर्चना तोमर, दे हैव द पिलर्स ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स। तुषार इज ऑलरेडी हेयर, यू कैन जॉइन एंड देन ऑब्वियसली दैट इज़ अ थिंग। और जहाँ तक आपका इवेंट है, एक्सीलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और डिफरेंट शहरों के, भुवनेश्वर की लड़की है, बॉम्बे की लड़की है, बेंगलोर की है, दिल्ली की है, आपकी जोधपुर की है, जयपुर की है, आपके मैं वो चेन्नई की हैं, तो पूरे इंडिया की उनको एक आपको इकट्ठा करके उनको ग्रूमिंग देके हम लोगों ने जो दुनिया के सामने प्रेजेंट करा था, तो उसी के माध्यम में यहाँ पे आज वी हैव द 10 विनर्स, जो कि उन्होंने डिफरेंट टाइटल्स जीते हुए हैं, और वो आपके स्पेशली फ्रॉम द वेरियस सिटीज़, भुवनेश्वर से आए हैं, आपके जोधपुर से आए हैं, आपके डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं, तो वो आपके अवगत कराएंगे हम लोग। रतन जी, आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में तो बता तो दिया है। अब मैं ऐसे स्पोक्स पर्सन ऑफ तुषार धालीवाल, मैं पहले तुषार जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। बिल्कुल। और तुषार जी के साथ में आप इस साल से जुड़े हैं, आपने इनके साथ एक पूरा इवेंट किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी शादीशुदा औरतों को एक कुंवारा कैसे हैंडल करता है, वो पहले बताइए आप। इसका जवाब पहले यही दें, फिर मैं थोड़ा सा ऐड करते हैं। सर अरुण जी तो पिछले 4-5 साल से हम लोगों के साथ ही है, हम उनके साथ हैं बेसिकली, अरुण जी हमारे साथ नहीं है। और हर साल 4-5 इस तरीके के इवेंट होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उनका एक ही सवाल रहता है जो आज उन्होंने पहले पूछ लिया, जो हमेशा आखिरी में होता है, कि सलमान खान और तुषार धालीवाल और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं इनके। तो सर हम इवेंट की बात करते हैं, मेरी शादी आप जब चाहे तब करा दीजिएगा। चलिए इवेंट के बारे में आप थोड़ा सा इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि शादीशुदा लेडीज़ को हम लोगों ने क्यों चुनते हैं। लाइफ में जनरली एक पॉज आता है, जनरली काफ़ी गर्ल्स के उसमें आता है कि हम ये करना चाहते थे, ये करना चाहते थे। तो आफ्टर द मैरिज, आफ्टर 2-3 ईयर्स, जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल्स में जाना शुरू कर देते हैं, तो दे हैव द टाइम, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, द लाइफ इज़ ओनली वंस। तो दीज गर्ल्स जो लेडीज़ में शादीशुदा होती हैं, उनके काफ़ी अरमान होते हैं कई बार, तो उसको तुषार ने इस
प्लेटफॉर्म के जरिए थोड़ा सा उभारने की कोशिश। मैं एक और आदमी को बुलाना चाहूँगा इसमें, यहाँ पे एक मशहूर कलाकार भरत जी बैठे हुए हैं। विजय जी आप आएंगे प्लीज हमारे बीच, विजय भाटिया। थैंक यू वेरी मच। तुषार जी आप कहाँ जा रहे हैं, पहले आप बताइए कि आपने क्या क्या तैयारी की, इन लोगों को कैसे इकट्ठा किया? सर हम लोगों ने 20 सिटीज़ में ऑडिशन करे और वहाँ से अराउंड 40 गर्ल्स को हम सेलेक्ट किया हर सिटी से, और वहाँ से लेके हम इनको मॉरिशस गए, वहाँ पे हम लोगों ने ग्रैंड फिनाले किया और रिजल्ट आपके सामने ही है। आज 10 विनर्स हमारी आपके रूबरू होंगी। विजय जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक एक्टिंग कैरियर का अनुभव और साथ में ग्लैमर फील्ड, ये एक फैशन वर्ल्ड में तुषार को, मैं तुषार की तुलना हमेशा सलमान से करता हूँ, मैं राहुल गांधी से नहीं करता हूँ क्योंकि राहुल पॉलिटिशियन नहीं है, वो ग्लैमर के फील्ड में है इसलिए उनकी तुलना हमेशा करता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, और सेकेंडली आपने मुझे भरत का वो भी करेक्ट है क्योंकि मैं पॉपुलरली भरत के नाम से ही जाना जाता हूँ, दैट वाज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर जो मैंने किया। एनीवे कमिंग बैक, तुषार को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और हम लोग का क्लोजली एसोसिएटेड भी है, तो जब इसने मुझे बताया मिसेज इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है हमारे देश में स्पेशली औरतों को ये बताया जाता है, सिखाया जाता है बचपन से, चाहे हम लोग कितनी भी तरक्की कर ले, कि शादी इज द एंड ऑफ इट, ख़त्म, शादी के बाद लाइफ एकदम उल्टा यूटर्न ले लेगी और उसके बाद में खाली मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ससुराल, सिर्फ यही तुम्हारी लाइफ है। वेल एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ फैक्ट, क्योंकि अगर एक आदमी को काम करने का पूरी आज़ादी है, हक है और वो जो चाहता है कर सकता है, तो वही हक, वही फैसिलिटीज़, वही चीज़ें सब एक औरत के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। और वो मिसेज इंडिया प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लैमर, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका वजूद क्या है, एज अ वुमेन व्हाट डू यू फील, आपको इस देश के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं आप, एक क्योंकि एक सोसाइटी, एक देश बनता है एक घर से, एक परिवार से, जो एक औरत एक घर परिवार चलाती है वो आगे चल के इस देश को सुधार सकती है, चला सकती है, बना सकती है। तो ये बातें बहुत बड़ी है और बहुत डीप लगती है, लेकिन बेसिकली शुरुआत यहीं से होती है, जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं तो वहाँ से ही औरतों को मौका मिलता है आगे आने का और वो फिर वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाती है, और इसी तरह दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड, द कंट्री, द नेशन प्रोग्रेस, ये मेरे थाट्स हैं। थैंक यू वेरी मच सर। फिलहाल ये इस बात को खत्म करते करते एक बात की मैं आपको और शुभकामना देना चाहता हूँ कि हमेशा क्या कहा जाता है कि जब चार औरतें इकट्ठा होती हैं तो आपस में गपशप और पड़ोसी की चुगलियाँ करती हैं, कम से कम मिसेज यूनिवर्स में आने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अब आगे हमें अपने स्टेटस बनाने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल, ये लोग दूसरे चीज़ों में मशगूल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।